स्टूडेंट्स आज हम क्लास नाइन्थ मैथ्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है वो इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सॉल्यूशंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किसी डिब्बे में जो पेंट है वो भरा हुआ है कितना क्षेत्रफल का 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए वो पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से आपको 22.5 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली आपको ईंटों की संख्या बतानी है कि आप कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में लिखना है कि आपको क्या दिया हुआ है। तो अब आपको दिया हुआ है ईंट की लंबाई 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना होगा, एक ईंट का क्षेत्रफल। एक ईंट का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई LB प्लस BH प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, एक इंट का टोटल सरफेस एरिया, एक इंट का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको इसमें वैल्यूज को पुट करके आपको इसको सोल्व करके आपको एक इंट का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आपको लंबा LB का मान क्या हो जाएगा, 22.5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस BH हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 7.5 प्लस LH क्या हो जाएगा, 22.5 मल्टीप्लाई बाई 7.5। अब आपको इन्हें सोल्व करना है तो 22.5 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा, 225 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 7.5 कितना हो जाएगा, 75। 22.5 मल्टीप्लाई बाई 7.5 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 168.75। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। तो 225 प्लस 75 प्लस 168.75 कितना हो जाएगा, 468.75। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या प्राप्त होगा हमें, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपकी जो वैल्यू आई है वो किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, जबकि हमें जो क्षेत्रफल यहाँ एक दिया हुआ है पेंट डिब्बे वाला वो कितना दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो आपको इस सेंटीमीटर स्क्वायर को भी मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। अब आप जानते हैं कि एक मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो एक सेंटीमीटर बराबर कितने में हो जाएगा मीटर में, 10^-2 मीटर, और एक सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10^-4 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या हो जाएगी यहाँ वैल्यू, 937.5 मल्टीप्लाई बाय 10^-4 मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास अब एक इंच का क्षेत्रफल भी मीटर स्क्वायर में प्राप्त हो गया है और आपको जो डिब्बे का जो दिया हुआ क्षेत्रफल वो भी मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंटों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इंटों की संख्या के लिए क्या फॉर्मूला होगा, पेंट का क्षेत्रफल और एक इंट का क्षेत्रफल को डिवाइड कर देंगे तो हमें इंटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब पेंट का क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है, 9.375, और हमें एक इंट का क्षेत्रफल अभी प्राप्त हुआ था वो कितना हुआ था, 937.5 मल्टीप्लाई बाई 10^-4। अब आपको इसे सोल्व करना है तो सबसे पहले आप सोल्व करने के लिए क्या करोगे, इनका दशमलव है वो हटा देना है। तो ऊपर वाले 9.375 का अगर दशमलव हटा देंगे तो हमारे पास नीचे कितना जाएगा, 10^3, और नीचे वाले का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10। अब इसको सोल्व करना है तो 9375 मल्टीप्लाई बाई 10 नीचे आ जाएगा हमारे पास, 9375 मल्टीप्लाई बाई 10^3, और 10^-4 को ऊपर ले जाने पे क्या हो जाएगा, 10^+4। अब 9375 से 9375 कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर क्या है, 10^5, नीचे कितनी है, 10^3, तो 10^5 में से 10^3 हटा देंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, इंटों की संख्या 100। अतः हमारे पास टोटल इंट की संख्या कितनी होगी, 100। ये आपका सही आंसर हो जाएगा।